माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार ठंडी ठंडी यम्मी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। उसका नाम है बहुत मजेदार स्ट्रॉबेरी फालूदा। तो स्ट्रॉबेरी फालूदा बनाने के मैंने जो चीजें ली है, मैंने दूध लिया है 1 kg दूध का डब्बा है ये मैंने लिया, जितना यूज करूंगी आपको बता दूंगी। और ये मैंने जामे शेरी भी लिया है और ये आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ये मैंने घर में बना चुकी हूँ, घर की बनी हुई होममेड आइसक्रीम है ये। इसके लिंक या डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। और ये मैंने जेली ली मुख्तलिफ कलर की, ऑरेंज कलर में जेली ली है, मैंने एक पेड़ बना के तैयार कर लिया था। तो ये ब्लू कलर में ली है और ये पर्पल कलर में ली है। और ये थूमलंगा मैंने पहले से 10-15 मिनट पहले भिगो के तैयार कर लिया था। और ये बादाम पिस्ते और ये काजू मैंने मोटे मोटे कूट के, यानी बारीक बारीक मोटे मोटे मिक्स करके कूट के रख लिए थे। और ये मैंने कंडेंस्ड मिल्क लिया थोड़ा सा ऐड करने के लिए दूध के अंदर। आइए पहले सेवैया तैयार करते हैं फालूदे की। देखिए सेवैया बनाने के मैंने हाफ प्याली मैंने ये कॉर्नफ्लावर लिया है और 1 tablespoon मैंने शुगर ली और पानी हसबे जरूरत। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले पानी डालेंगे फ्राई पैन में, क्योंकि मैंने अभी फ्लेम ऑन नहीं की हुई, सिर्फ ठंडे पानी में सभी डालेंगे। इसी में मैं ये शुगर ऐड कर दूंगी। मैं आहिस्ता सही है कॉर्नफ्लावर इसमें डाल के डिजोल्व कर लूंगी। रिजोल्व हो गया, अब मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। अभी साथ साथ में इसको चलाती रहूंगी स्मूथ, ताकि इसमें लम्स ना हो। जिस तरह मैं चला रही हूँ इसलिए चला रहा हूँ, ठीक है। कर लेना है, मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। देखिए आप ये शेप आ गई इसकी, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से रखना आपको इतना। अगर आपके पास सेवैयों का मेकर है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेकफास्ट सेवैयों का मेकर अवेलेबल नहीं है तो आप जो है किसी भी बोतल में डाल के उसको भी सेवैयों की तरह बना सकते हैं, जिसे मैं कर रही हूँ। देखिए मेरे पास सेवैयों में अगर नहीं था तो मैं इसकी केचप की बोतल दी, मैंने इसको पहले वॉश कर ली, वॉश करके मैं हल्का सा ऑयल में लगा लिया अंदर डाल के थोड़ा सा। अब इसके अंदर ये इसको डाल दूंगी सबको, ये जो मैं बनाया मैंने। अब इसको मैं इस बोतल में भर लूंगी सारा मटेरियल। और ये ठंडा यख पानी मैंने बर्फ से डाली हुई, देखें आप ठंडा यख पानी हो जाएगा उसके अंदर ये हम इसमें बना के बोतल का मुंह बहुत छोटा है, थोड़ी सी परेशानी हो रही है मिलाने में, लेकिन ये ना मुश्किल भी नहीं है, कर सकते हैं आप इजीली। या मैंने अभी इस तरीके से हम डालते हैं, घुमाते जाएंगे। ये देखें जबरदस्त ये हमारी सेवैया तैयार हो रही हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है सेवैया मेकर भी लेने की, आप आराम से इसमें इजीली बना सकते हैं जिस तरह मैंने बनाई है। अब जनाब इनको ठंडे पानी में नहाने के लिए मैं सेवैयों को छोड़ दूंगी। ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। इसको जा रख रही हूँ फ्रिज में तोड़ने के लिए। देखिए कितनी जबरदस्त ये बोतल के अंदर मैंने सेवैया बनाई है फालू। देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरह, आपको कोई जरूरत नहीं सेवैयों का मेकर लेने की। देखिए इतनी ज़बरदस्त बनी है ना, इस तरह आप आराम से घर में रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब आपकी ये शाइन आप ही मौजूद है आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके देखिए इतनी ज़बरदस्त बनी। तो जनाब ये सेवैयाँ तैयार हो गई है, ये देख सकते हैं अपनी ज़बरदस्त होममेड सेवैयाँ तैयार की हैं मैंने। और अब हम तैयार करते हैं फालूदे का। सबसे पहले मैं कंडेंस्ड मिल्क मिक्स कर रही हूँ 2 tablespoon, ठीक है। अब इसमें दूध ऐड कर रही हूँ, अब इसमें जामे चेरी मिक्स कर रही हूँ, ये आप अपने कलर के हिसाब से कर सकते हैं।
ना वो ढाकर ना ये लाइट लेना, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसी में मैं बादाम पिस्ते ऐड कर दूंगी, आधे इसमें मिक्स कर रही हूँ, आधे में गार्निशिंग के लिए रख दूंगी। तो हम गिलास को असम्बल करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें जेली इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसके अंदर में ये तुक मलंगा जो मैंने पहले ऑलरेडी रेडी रखा था, अब ये इसमें, अब जनाब इसमें ये सेवैया मैं ऐड कर रही हूँ। अब जनाब ये इसमें ये पर्पल कलर की जेली इसमें ऐड कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे रेड कलर की जेली की, तो आपको बनाता ही है रेड और ग्रीन जगह। मैंने सोचा क्यों ना मैं जेली का कलर चेंज करूँ। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ना गिलास, आ रहा है देखने में मजा। तो जनाब सबसे लास्ट में डलेगी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का स्पॉन। ये मेल्ट हो, गर्मी बहुत हो रही थी इसलिए मैंने फ्रीजर में रख दी, उसके बावजूद ये मेल्ट हो गई है। अब इस पर गार्निशिंग होगी पिस्ते बादाम की। तो जनाब ये हमारे ज़बरदस्त किस्म का फालूदा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आप लोग इसके अंदर ये मज़े लेके यूज़ करें। तो जी जनाब देखिए झटपट बहुत ही जल्दी से मैंने ये बहुत ही मज़ेदार ठंडा ठंडा यम्मी सा स्ट्रॉबेरी फालूदा रेडी कर दिया है। और आप भी इस तरह बना सकते, कितना कलरफुल लग रहा है, पिंक कलर भी आ रहा है, इसमें पर्पल भी आ रहा है, इसमें फिरोजी कलर भी आ रहा है, ऑरेंज भी आ रहा है, सारे कलर आ रहे हैं। बहुत ही यम्मी सा, बहुत ही मजे का लग रहा है भाई। मेरा तो बहुत दिल चाह रहा है जल्दी से इसको पीनू। अब इंशाल्लाह नई रेसिपी से हाजिर होंगी, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। जब तक अल्लाह हाफिज़।